सुप्रभात के समाचारों के साथ मैं कुमार कृष्ण। आज की ताज़ा खबर आरामाई आपरो स्वागत है। चंद्रग्रह चंद्रयान 2 कैलेंडर आज सुबह सुबह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास अपने नियोजित सॉफ्ट लैंडिंग से कुछ मिनट पहले इन कंपनीडो में चला गया। बेंगलुरु में इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर ने एक बयान में कहा कि विक्रम लैंडर वंश की शुरुआत नियोजित थी और सामान्य प्रदर्शन 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई से देखा गया था। इसके बाद लैंडर से ग्राउंड स्टेशनों तक संचार खो गया था। डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय स्पेसक्राफ्ट की बेंगलुरु सुविधा में वैज्ञानिकों के साथ थे, प्रधानमंत्री आज सुबह 8 बजे से इसरो कंट्रोल स्टेशनों से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया था। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के मुंबई और औरंगाबाद का दौरा करेंगे। मुंबई में प्रधानमंत्री 3 मेट्रो लाइनों का शिलान्यास करेंगे जो राजधानी शहर के मेट्रो नेटवर्क में 42 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे। टेनिस में सेरेना विलियम्स ने US ओपन की फाइनल में पहुंची। 6वीं भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्ता SED आज से 3 दिवसीय वार्ता नई दिल्ली में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने आज BCCI के राज्य संघों के लिए इस महीने की 28 तारीख तक चुनाव पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी। पाकिस्तान में 2 शक्तिशाली विस्फोटों ने बलूचिस्तान प्रांत में आज पत्थरबाजी की जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिस अधिकारी सहित 12 अन्य घायल हो गए। भारत ए ने 5वें और अंतिम अनौपचारिक एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ए पर 36 रन से जीत दर्ज की, जिससे मेजबान टीम ने त्रिवेणीपुरा में आज श्रृंखला 4-1 से जीत ली। गुजरात के अहमदाबाद शहर के अमरावाड़ी इलाके के वित्तकल दोपहर 1 3-मंजिल इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। झुंझुनू के पिलानी पुलिस ने एक शुक्रवार दोपहर सीमावर्ती बैरी गांव से हरियाणा के जींद निवासी एक हार्डकोर अपराधी संदीप और अंकित को हथियारों सहित पकड़ा। आज के समाचार सुप्रभात में इतना ही। कल मिलते हैं। शुभ जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात के समाचार।